सभी को राम राम दोस्तों। तो आज हम लोग होटल से निकल के घूमने जा रहे हैं और हम सुबह के यही करीब 10:30 बजे निकले हैं। हम लोग यहाँ पे कहीं शिवपुरी नाम की कोई जगह है, शायद 80 किलोमीटर दूर है, हम वहीं जा रहे हैं। हमारी यात्रा अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, हमें काफ़ी मज़ा आया। ऊपर से चले जब नीचे आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कितने ऊपर कैसे चढ़ गए, हम ऊपर रहते हैं तो ये नहीं पता चलता कि कितने ऊपर कैसे आ गए। आप लोग भी एक बार ज़रूर आना। तो हमारी कार आएगी अभी होटल वालों की तरफ से, हम 8 लोग हैं, हम सब जा रहे हैं आज, एक दिन है हमारे पास, हम घूमने जा रहे हैं हम सब। और आगे की बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम लोग वैष्णो माता धाम के शिव खोड़ी में आए थे घूमने और हम लोग अपना 3 बजे करीब पहुंच चुके होंगे यहाँ पे। फिर हमने चढ़ना चालू किया, वो करीब 3 किलोमीटर की चलना था हमें चढ़ाई, और चढ़ाई पूरी करके अब हम लोग वापस जा रहे हैं। 7 बजे करीब हम लोग वापस जा रहे हैं। सो आप लोग जब भी आइएगा तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, वही 12-12 बजे करीब यहाँ पहुँच जाइएगा और तब आप 2-3 घंटे में फ्री हो जाएंगे। अभी काफ़ी रात हो चुकी है और कम 200 सीढ़ियाँ चढ़ने और अभी काफ़ी रात हो चुकी है और मेरे चाचू जी कह रहे हैं कि 200 सीढ़ियाँ बता दो भाई। हाँ थोड़ी देर है, 200 सीढ़ियाँ हैं उसमें चढ़ने के लिए। बाकी और तो आप घोड़े से आ सकते हैं या पालकी में आ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे वैसा कोई साधन नहीं है, खड़खड़िया टाइप कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ और मैं तो यही प्रेफर करूँगा भाई, अगर बच्चे हैं ना बच्चों को तो मत ही आना, बच्चों को लेके मत आना। आना तो फैमिली टाइप में, मतलब कोई जो ठीक ठाक हो जवान, और थोड़े बूढ़े बाढ़े बुजुर्ग भी आ सकते हैं, पर बच्चे वही है ना, लेके जाएगा कौन, बहुत चढ़ाई होती है। अंदर गुफा है तो गुफा के अंदर आपको जाना होता है, तो थोड़ा सकरी है तो उसके लिए भी बहुत मोटे लोग हों तो वो भी थोड़ा अपना ध्यान में रखें, थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सब भोले बाबा की कृपा सब हो जाता है। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो दोस्तों हम लोग वापस जा रहे हैं, बस आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा था, ये वाली यात्रा वैष्णो धाम में। तो हम लोग भैरव बाबा नाथ की चढ़ाई नहीं कर पाए, बट हमने यहाँ पर वो सब वसूल कर लिया, एक तरह से कह सकते हैं भोलेनाथ की हो गई चढ़ाई, मतलब हो गई भैरव बाबा की। तो थोड़ा मेरा हो रखा है तो देखो ढेरे में चश्मा ये। सभी को राम राम दोस्तों। तो आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और हम लोग सुबह के
9 बजे और हम लोग यहीं पे आज जहाँ पे हम होटल बुक करते हैं वहाँ पर हम लोग घूमने निकले हैं थोड़ी शॉपिंग के लिए और कुछ ख़रीदारी के लिए। इतनी दूर आए तो कुछ तो खरीदेंगे। हम सभी अभी निकले हैं। आज का मौसम काफ़ी ठंडीला है, आज काफ़ी हवाएं चल रही हैं। जैसे कल तो धूप निकल गई थी बट आज काफ़ी हवा चल रही है तो थोड़ा ठंड आज लग रही है यहाँ पर और मौसम में भी फॉग है। धूप धूप से अच्छा लग रहेगा। आप इधर से जल्दी हम लोग अभी यहाँ पर खाने के लिए रुके हैं। यहाँ से थोड़ा कुछ नाश्ता हो गया आज सुबह का, शॉपिंग करेंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा पहाड़ों को देख के लगता है। आप लोगों को तो मैं ज़रा दिखाता हूँ। भाई साहब ठंडी लग गई यार, हवा चली है, पैर को लगता है मेरे को बांधना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पगड़ी बांध ली है, काफ़ी हवा चल रही थी तो बांधनी पड़ी, तो काफ़ी हवा चल रही है तो मैंने बांध ली। तो हम लोग अभी खाने जा रहे हैं, अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ है खाने के लिए। हम लोग देखते हैं क्या खाना है हमें, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे। चलिए दोस्तों फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए हैं इस दुकान में। इस दुकान में काफ़ी अखरोट हैं और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और हम लोग अखरोट और बहुत सारी चीज़ें जैसे लॉकेट और श्रृंगार का सामान वो सब है वहाँ पर, वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रसाद का, प्रसाद की सारी चीज़ें चीज़ें महंगे हैं। आपको अखरोट आपको मिल जाएंगे 250 से लेके 800 तक के करीब। एक किलो, एक किलो अखरोट यहाँ पे 200 तक का भी है, 250 का भी है, 350-800। जहाँ पे हम वैष्णो देवी गए थे वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पे काफ़ी सस्ते थे। वहाँ पे 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो इस टाइप में थे। तो अगर आप कभी भी चढ़ाई करें या फिर चढ़ाई से उतर रहे हैं तो आप वहीं पर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि हम लोग नीचे करके मार्केट में जाके लेंगे तो वहाँ पर शायद महंगा पड़ेगा। बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। दोस्तों हमारी भी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं होटल में। हमें 12 बजे चेकआउट करना है तो सब हम अपने कपड़े वपड़े पैक करेंगे और हम 12 बजे यहाँ से निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है। सो हमारा टूर काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें हुई, सब घोड़े पे बैठे और बहुत कुछ हुआ। बाबा के दर्शन हुए भोलेनाथ को, सब साथ में थे, काफ़ी मज़ा आया। और जब आए तो साथ में आए। और हाँ एक चीज़ जरूर होगा, मैं यार बच्चों को लेकर मैं बता दूँ, एक तरफा थोड़े ओल्ड लोग भी चल जाएंगे बट बच्चे लेके आप सही में नहीं चल पाते। जो बच्चे चल सकते हैं उन्हीं को लाना। सो अब हम जा रहे हैं पैकिंग करने, आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अब हम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। इतने सारी शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। हमने सब कुछ कर लिया और हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। हमारी 4 बजे की ट्रेन है, हम यहाँ से सीधा जम्मू जाएंगे और जम्मू के बाद हमें दिल्ली के लिए ट्रेन मिलेगी 10 बजे। और हमारे जो चाचा चाची हैं वो लोग लखनऊ की ट्रेन से लखनऊ जाएंगे, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। सारी ट्रेनें खड़ी हैं, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। ऐसे लगता था कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे देवी का स्थल होता है, यहाँ पे मंदिर होता है, वहाँ पे खूब भीड़ होती है, जैसे वैष्णो देवी नाम सुनते मुझे लगता था पहले। बट मैं यहाँ पे आया तो भीड़ का तो नाम निशान ही नहीं है, नॉर्मल। इससे ज़्यादा भीड़ आपको रेलवे स्टेशन, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी, दिल्ली में तो नॉर्मल और कहीं है, पर यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं है, नॉर्मल है सब। और एक और चीज़ हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर बहुत ठंड होगी, तो हम डर रहे थे कि यार कहीं ज़्यादा ठंड ना हो, चढ़ाई कैसे होगी। पर यहाँ पर ठंड तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, जिस हिसाब से इतना पहाड़ी इलाका है उस हिसाब से इतनी ठंड भी नहीं है, नॉर्मल है। तो आप लोग इस महीने में आ सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग ज़रूर आइएगा एक बार माता के दर्शन करने और भैरव बाबा के भी करिएगा।